गोरखा हित सर्वोपरि। स्वतन्त्र देशमा सास फेर्ने र जन्मने सौभाग्य प्राप्त समस्त देशवासीहरूलाई 74 औं स्वतन्त्रता दिवसको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। नमस्कार। आज जब हम आजादी के इस पवित्र दिन का उत्सव मना रहे हैं, देश के आजादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन, अपनी जवानी जेलों में काटी, जो फांसी के फंदे को गले में डालकर अमर हो गए, जो सत्याग्रह के माध्यम से आजादी की हुंकार बने, मैं आज भारत के उन सभी बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने घास की रोटियां खाई, जमीन पर सोए, काला पानी में अपना पूरा जीवन काट दिया। उनके बलिदान के कारण आज हमें यह शुभ दिन देख पा रहे हैं। आइए उन सबको याद करें। शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, सुभाष चंद्र बोस जी, वीर सावरकर जी, चाकरकर बंधु खुदीराम बोस जी, INA के मेजर दुर्गा मल जी, BBD बंधु कैप्टन राम सिंह ठकुरी जी, वीर टिकेंद्रजीत जी, सुबेदार निरंजन छेत्री जी, दल बहादुर गिरी जी, हेलेन लेप्चा जी, जगबीर सातकोटा जी, छविलाल उपाध्याय जी, दलवीर सिंह लोहार जी, रानी मां गाइडिकलू, ऐसे कितने ही नाम आज मुझे याद आ रहे हैं। आज इस पवित्र दिन पर एक घटना मुझे याद आती है। एक बार चाकरकर बंधुओं की मां से किसी ने पूछा कि आपके 3 पुत्र थे और तीनों ही देश के लिए कुर्बान हो गए, आपको दुख नहीं होता? उस मां ने उत्तर दिया, दुख इस बात का है कि मेरे पास 3 ही पुत्र थे, अगर और भी होते तो मैं उन्हें भी देश के लिए कुर्बान कर देती। ऐसे समर्पण त्याग से यह स्वतंत्रता हमें मिली है। हमने सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद ये आजादी पाई। हमारी जमीन, हमारा आसमान और हमारा संविधान आजादी की खुली हवा से पवित्र और कुछ भी नहीं। उसी तरह देश की आजादी के बाद देश के शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए लाखों लोगों ने इतने सालों तक योगदान दिया। आज मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं। लेकिन अभी भी हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आज 130 करोड़ भारतीय इस विकास की गाथा में खुद को भागीदारी मानते हैं। जनशक्ति और राष्ट्र शक्ति की भावना से पूरे देश को एक नई ऊर्जा देनी है। नए भारत के निर्माण में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के पीएम मोदी जी के मंत्र ने हर क्षेत्र में भारत को एक नया स्वरूप दिया है। अंत में आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान को हम सब अपना संकल्प बनाएं और आत्मनिर्भर बने, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार, जय गोरखा। भारतवर्ष को महान स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लागि यहाँ सबैलाई बधाई र शुभकामना टक्र्याउँछु। हाम्रा गोरखा दाजुभाइ दिदीबहिनी मात्र नभएर सम्पूर्ण भारतवासीलाई नै मेरो बधाई छ। भारतीय गोरखा परिसंघको असम प्रान्त, असम प्रदेश कमिटीबाट हामी आज धेरै खुसी छौँ। भारतवर्षको स्वतन्त्रता प्राप्तिको पछि गोरखाहरूले यहाँ पाउने जुन हक, अधिकार र सुरक्षा, त्यही रूपमा भारतीय संविधानमा लिखित अनुसार हाम्रो भारतको जुन हामीले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यौँ, हाम्रो शहादत भयो, गोर्खाहरूले पनि शहीद भएर देशको लागि जुन आफ्नो आत्मबलिदान दिए, त्यस अनुसार भारतीय गोर्खाहरूले यहाँको चिनारीको प्रश्नमा आज पनि केही प्रश्नहरू रहेका छन् र ती प्रश्नहरूको चाँडै समाधान हुनेछ भन्ने आजको यो 15 अगस्तमा हामी आशा गर्दछौँ। र फेरि एकपल्ट
हाम्रा भारतवासी सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई भारतको स्वतन्त्रता दिवसको बधाई एवं शुभकामना ज्ञापन गर्दै जय गोर्खा जय हिन्द। नमस्कार, मेरा नाम रवि थापा, जिला अध्यक्ष भारतीय मूल का परिषद। आप सभी शहरवासियों एवं देशवासियों को भारतीय गोरखा समाज और भारतीय गोरखा परिषद आगरा की तरफ से स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। ऐसे हम सभी भाईचारे के साथ इस दिवस को मनाते रहे, आने वाली पीढ़ी को भी हम यही संदेश दें, क्योंकि ये दिन हमारे लिए मुख्य दिन है। आज ही के दिन भारत आज़ाद हुआ था, इसलिए एक बार फिर से आपको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अशोक कुमार, युवा जिलाध्यक्ष भारतीय गोरखा परिषद। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मेरी और मेरे भारतीय गोरखा परिषद की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जय भारत।